वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी बेहद फरमाइश पर गुलाब जामुन बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ दो पैन रखे हुए हैं, हम दोनों का चूल्हा ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम ये बड़े वाले का ऑन करते हैं जिसमें हम चाशनी के लिए 2 कप पानी डालेंगे और 1¼ कप शुगर डाल देते हैं, यानी 1 कप और 4 चम्मच शुगर गई है। हमारी थोड़ी बारीक होती है, आपकी मोटी होगी तो नो प्रॉब्लम, सेम ही रिजल्ट सेम आएगा, सेम क्वांटिटी लेनी है। देखिए इसको हम हिला देंगे ताकि वो नीचे शक्कर चिपक ना जाए। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा जब हम छोड़ देंगे इसे, हमारी बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। चले अब इसको हम देखेंगे, हिलाते रहेंगे। और अब यहाँ आ जाते हैं हम गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। तो इसका चूल्हा हम मीडियम लो कर देते हैं और आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपकी मर्ज़ी है। देखिए गुलाब जामुन वैसे तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन ये मेरे उस ज़माने के हैं जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन बनाती थी और फैमिली में बहुत पॉपुलर था और यूँ झटपट बना लेती थी। तो आगे भी हम बहुत सारी रेसिपीज़ देंगे लेकिन मैंने ये सारे जार्स वगैरह इसलिए रखे हुए हैं कि कभी कभी गुलाब जामुन में क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर मैं 1 कप कह दूँ और मैं कितना 1 कप ले रही हूँ तो मैं आपके सामने ही सारी क्वांटिटी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखें स्कूल के ज़माने में मैं इस तरह नापा करती थी, तो अब तो मैं ऐसा नहीं नापती हूँ लेकिन इसीलिए मुझे वो बताना था कि भाई मैंने इस तरह से नापती थी कि इस तरह से फुल होता था और ये 1 कप का मेजरमेंट है और ये मैं अपने प्लेट में डाल रही हूँ जिसमें बनाना है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये 1 टेबल स्पून मैदा लेती थी, वो भी इस तरह से लेती थी जो अब नहीं लेती हूँ इस तरह से, तो ये चला गया। अब इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये माइल्डर वर्जन होता है। बेकिंग सोडा डालेंगे तो गुलाब जामुन फट जाएगी अगर इतनी क्वांटिटी में डाला तो। देखिए हम 1/2 टीस्पून काट के बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, इसके लिए बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये जो है ये ज़्यादा है तो हम ये थोड़ा सा इसको जो मैं हमेशा कहती हूँ ना काट के, तो ये काट के है 1/2 चम्मच डाला। अब ये तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेते हैं। ये दूध पाउडर जो है वो नीडो है और नीडो से अच्छे बनते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है। आप देख लीजिएगा अगर आपको नीडो मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ उसके कंपैरिजन में कोई भी दूध फुल फैट हो वो ले लें, ठीक है। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, वो भी काट के, ये देखें इस तरह से अच्छी खुशबू आएगी, अभी से आ रही है देखें इलायची की खुशबू। चले ये तो मिक्स हो गया, अब चीनी पर नज़र रखनी है। देखें हमारी कम्प्लीटली डाइल्यूट हो गई है, तो अब हम क्या करते हैं साथ साथ लगे हाथों यहाँ भी इलायची डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच जो है यहाँ भी डाल देते हैं इलायची का पाउडर। बस आपको नज़र रखनी है, देखें हमारी इतनी बारीक होती है तो लगने के चांसेस नहीं होते हैं, आपकी मोटी अगर हो तो आप ज़रा देख लीजिएगा कि शक्कर जो है नीचे चिपक ना जाए, जल ना जाए, ठीक है। और चूल्हा हमारा अभी भी मीडियम पर ही है। चले ये हम थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग डाल देते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें। ये देखें 1/8 टीस्पून हमने डाली, इससे कलर ज़रा अच्छा लगता है चाशनी का लेकिन ऑप्शनल है। अब इसको हिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस बेसिकली डालते हैं क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, आसपास नहीं शक्कर जम जाती है। हाँ और एक और बात कि अगर आपकी शक्कर आप ऐसा लगता है कि शीरा जब बनने के वक्त ऊपर गंदगी आ रही है तब आप ऊपर से चम्मच से निकाल लीजिएगा शुगर के ऊपर जो भी आ रहा है, यहाँ तो सब सेट है, ठीक है। बस अब इस पर हम नज़र रखेंगे, बॉइल्ड आएगा तो अब हम स्लो कर देंगे, अभी तक बॉइल्ड नहीं आया है। चले बैक टू आवर गुलाब जामुन, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी,
और एक अंडा रूम टेम्परेचर। कोई भी चीज़ लेनी है आपको रूम टेम्परेचर लेनी है। बस मिलाते जाएंगे, ये काम हमारा शुरू हो गया। आप चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। गूंदना ऊंदना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गूंदने से हमारा गुलाब जामुन टफ हो जाएंगे। चले ग्लव्स पहन लेते हैं, पहले हाथों का इस्तेमाल करते हैं फिर दांतों का करेंगे। चले यहाँ से ले लेते हैं जो भी है और इसको देखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गूंदेंगे नहीं, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखें स्टिकी हो रहा है ना। एग्जैक्टली हमें इस तरह का स्टिकी डो चाहिए। ये देखें ये जो चिपक रहा है ना, स्टिकी इज़ गुड। चले बस इससे ज़्यादा हम नहीं गूंदेंगे और अब हम अपने ऑयल को देख लेते हैं। हमें इसको गर्म नहीं करना है। देखें मैं उंगली डाल रही हूँ, ये उंगली डालने से थोड़ा सा कम ठंडा है। उंगली डालना ज़रा सा मुश्किल हो, बस इतना गर्म करना है। अच्छा यहाँ देखें हमारे चाशनी में उबाल आ गया। अब हम इसको कम्प्लीटली स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो। चले अब हम इसका एक ब्लॉक बना लेंगे। और गुलाब जामुन बनाना शुरू करेंगे। जितनी साइज आपको चाहिए उतना आप लेते जाएं। और स्मूथ बॉल हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और फिर बॉल पे शाइन आ जानी चाहिए। पहले स्टिकी होना ज़रूरी है और अब शाइन आना ज़रूरी है। आपकी मर्ज़ी, आपको जिस साइज़ के बनाने हो आप बना लें। तो ये देखें बिल्कुल क्रैक फ्री शाइनी शाइनी ऐसे हमें बनाने हैं। तेल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं अगर आपको स्टिकी लग रहा है तो। बस इस तरह से हम रखते जाएंगे। आपको पता है एक ज़माने में मैंने इतने गुलाब जामुन बनाए हैं जब मैं छोटी थी। तो चाहे किसी की ग्रेजुएशन पार्टी हो, किसी की शादी हो रही हो, किसी की बर्थडे हो रही हो, दावत हो, हर मरतबा आधा घंटे में बना के ले जाती थी। क्योंकि ये सारी चीज़ों में ही 5-6 मिनट लगती है और चाशनी में जो है वो 10-15 मिनट लगती है। और फिर ले जाती थी, बड़े सब खुश हो जाते थे। मैं बड़ी पॉपुलर थी गुलाब जामुन के मामले में। चलो ग्लव्स निकाल लेते हैं और तेल वाला देखें हमने हाथ कर लिए और अब अच्छे से बनाएंगे। ग्लव्स के साथ मज़ा नहीं आता बनाने में, फील नहीं होता। चले देखिए लास्ट भी हो गया हमारा, सब शाइनी शाइनी। और अब ये हमने एक थोड़ी सी बचा के रखी है गोली, ये हम डालेंगे तेल में और आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखिए आपको हल्के हल्के बबल दिख रहे हैं, हमारे बबल इस तरह से आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ये देखें ये जो आ गया ना, तो ये अब हमारा तेल सही है। तो अब हम डालना शुरू करते हैं अपने गोले। चले बस उठाते जाएंगे और थोड़ा सा एक और हाथ मार लेंगे और फिर डालते जाएंगे। ये देखें इस तरह। बस देखें जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे ऐसे ऐसे, इसका मतलब वो वाले रेडी हो रहे हैं। जब सारे ऊपर आ जाएंगे जब हम हिलाएंगे। अभी हम डालते हैं, गोल गोल करते जाते हैं, डालते जाते हैं। बेसिकली इन सब को स्विमिंग करना ज़रूरी है, जो डर गया मर गया। तो अब देखें सब ऊपर आ गए हैं, तो अब हम अपना चूल्हा मीडियम हाई कर लेते हैं। यूँ करेंगे इस तरह से ताकि हमारे गुलाब जामुन सारे के सारे अच्छे से फ्राई हो सकें। धक्का मारते रहेंगे इनको, हम डुबोने की कोशिश करेंगे और वो ऊपर आएंगे, हम डुबोने की कोशिश करेंगे वो ऊपर आएंगे, लेकिन हल्के हाथों, हैवी हाथों पर नहीं। बस 3 मिनट में इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ऑलमोस्ट 7 मिनट तक हम पकाएंगे और आपकी मनपसंद कलर जो हो गोल्डन वो निकाल लेंगे हम। बस देखें
ये ऑलमोस्ट हमारी पसंद का कलर हो गया, तो चले अब हम इसको डाल देते हैं। बस इसको हिला लेते हैं और छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। चले कवर कर दिया है, अब मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है और अब हम डिश आउट करते हैं। गर्मा गर्म देखिए कितने यमी लग रहे हैं, जबरदस्त। चले अब इस पे हम शीरा डाल देते हैं। चले कुछ पिस्ते की गार्निश कर लेते हैं हम। देखा कैसे झटपट हमारे जबरदस्त से गुलाब जामुन बन गए विद इन हाफ आवर। मतलब मजे करें, निपटा दें, पौने घंटे में तो पेट में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये इजी वाले हैं जो मेरे चाइल्डहुड के ज़माने के हैं। आपको वो मावे के जो अगर चाहिए तो वो भी मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा उसमें। वो भी मज़े के बनते हैं और वो भी बनाएंगे हम। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ इसको। जबरदस्त, आपने देखा ना कितना सॉफ्ट है, टेक्सचर है, मजेदार है। और सबसे गुड थिंग क्या, आधे घंटे के अंदर अंदर बन जाने वाली चीज है। कोई मेहमान आया हुआ हो, लिविंग रूम में बैठे और आप झटपट चाय के साथ उनको लवाजमात के साथ ये भी शामिल करके ले जा सकते हैं। चले अब आप लोगों की फरमाइश मैंने पूरी की, अब आप मेरी करें, जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।